नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और यहाँ पर देखिए कि डिंपल यादव जो है वो मैनपुरी से प्रत्याशी चुन के आएंगी। जी हाँ, यानी कि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी मैनपुरी से घोषित कर दिया। उन्होंने नामांकन भी जारी कर दिया, कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद से अब देखिए प्रचार प्रसार जो है मैनपुरी में जारी हो गया है और नेताजी के नाम पे सहानुभूति कार्ड खेलना भी अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कई सारे बयान दिए हैं मैनपुरी पहुंचकर और ऐसा पहली बार हुआ है कि उपचुनाव में अखिलेश यादव उतरेंगे। और देखिए कि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के उतार करके एक बड़ा विक्ट्री कार्ड खेल दिया, क्योंकि डिंपल यादव को उतारने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की रणनीति के तमाम और सेंधमारी के रास्तों को बंद कर दिया। साकिया समाज को यहां पर साधने के लिए भाजपा प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन अखिलेश ने मैनपुरी का जिला अध्यक्ष यहां पर पूर्व मंत्री आलोक साकिया को बना दिया, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। चर्चाएं ये भी है कि यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो प्रचार करने के लिए जोर शोर से मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए उतर सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने क्यों नहीं उतरे थे। यहाँ पर विनय तिवारी गोला गोकरनाथ सीट पर जो लड़े उनके लिए प्रचार करने क्यों नहीं उतरे थे, ये भी सवाल उठेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बड़ी खबर जो ये निकल के आ रही है कि डिंपल यादव का मैनपुरी में प्रचार प्रसार करने के लिए राजा भैया भी वहाँ पर नजर आ सकते हैं। जी हाँ, राजा भैया जो है डिंपल यादव का मैनपुरी में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल पार्टी।